हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम हैं दरियागंज पर और एक बहुत ही सेंसेशनल रेस्टोरेंट है जो के शुरू हुआ मटिया महल जामा मस्जिद से और उसने अपनी जो ब्रांचेज हैं वो आगे बढ़ा दी हैं। एक ब्रांच इसकी जो है वो दरियागंज में खुली है, अली अमीन के नाम से है ये रेस्टोरेंट। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारों ने सुना होगा और बहुत सारों ने ट्राई किया होगा। खैर, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ इनके नए आउटलेट पे। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं मैं कि इनका जो प्लेटर है वो कैसा है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि प्लेटर में जो किंग है, जो प्लेटर में जिन्होंने इजाद किया था वो यही हैं। पुरानी दिल्ली में नॉन वेज का प्लेटर लाने वाले वो यही हैं, इन्होंने ही पहले निकाला बजट प्लेटर। फिलहाल पीछे आप मेरे देख सकते हैं बारबेक्यू लगा हुआ है और कबाब सीख रहे हैं बढ़िया। और यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये तैयार हो रहा है चंगेजी और वहाँ बिरयानी की देग रखी हुई है। ये बिरयानी की देग है भाई, दिखाइएगा एक मिनट। ये देखें भाई, गर्मा गर्म बिरयानी, क्या बात है। और ये अंदर का कुछ है, यहाँ पे बंदे बहुत सारे लगे हुए हैं बारबेक्यू में। भाई लूटम लाट मची हुई है, ज़बरदस्त चीख चिल्लाट पुकार भाई, ऑर्डर्स बहुत सारे सामने देख सकते हैं आप, ये लगे हुए हैं। ये बना रहे हैं कबाब, ओहो बटर देखें आप कैसा रखा हुआ है भाई, पक रहा है बटर। ये देखें आप कितना खूबसूरत बना रखा है भाई, बेहतरीन मेहराब वगैरह पुराने स्टाइल की मेहराब, अंदर शैंडलियर लगा रखे हैं बहुत खूबसूरत, दीवारों पे भी बहुत बेहतरीन इन्होंने जो है डेकोरेशन कर रखी है, बहुत बढ़िया कबाब लग रहा है बेहतरीन। कबाब लग रहे हैं जबरदस्त, देखें आप प्लेटर तैयार होता है मस्त। हाँ तो ऑर्डर बताओ क्या है, देखिए आपको दिखाता हूँ, टिक्के के लिए तैयार हो रहा है सब बेहतरीन। लाइव काउंटर लगा रखा है इन्होंने, लाइव काउंटर चल रहा है, टिक्का तैयार हो रहा है लाइव काउंटर। और ये आप देखें लगा हुआ है सारा, और ये जाएगा तंदूर में, बहुत बढ़िया। ये गया देखें तंदूर में, क्या बात है, मलाई टंडी बेहतरीन। बर्रा भाई बेहतरीन रान आ गई है, क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त। कितनी की होती है जनाब? 1500 रुपए की जनाब बस कुल। अरे क्या बात है, कुल 1500 रुपए की, ओहो हो। मसाले देखें आप क्या जबरदस्त, भर भर के मसाले लगाए हुए भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई बहुत उम्दा। ये तैयार हो रहा है फाइनल डेस्टिनेशन में जाने के लिए, इसको डालेंगे तंदूर के अंदर, क्या बात है, क्या बात है। चला तंदूर में, अच्छा अभी नहीं, अच्छा अच्छा दोनों साथ में डालोगे हाँ। क्या बात है, मिलाया जा रहा भाई, क्या बात है, अरे गिर भी फेंक भी देते पक्का नहीं बना रहे, फेंक भी देते हो। अच्छा ये कढ़ाई चिकन है और क्या बात है। अच्छा इसको आप कितने कितने टाइम में बना लेते हैं, मतलब बना के रखते हैं या फिर रिफिल होता रहता है? रिफिल होता रहता है, ये रिफिल होता है। कढ़ाई चिकन और आगे ये चिकन चंगेजी, चिकन चंगेजी, क्या देखें आप जबरदस्त, हाँ हाँ गोश्त है, झरना बह गया क्रीम का, बहुत सारी बेहतरीन क्रीम डाल रखी है। ये देखें आप, ये है जी अंदर का कुछ सेटअप, काउंटर अली अमीन का बेहतरीन लोगो, बेहतरीन डेकोरेशन कर रखी है, बहुत उम्दा बहुत उम्दा।
ये मजलिस बना रखी है इन्होंने, बहुत बढ़िया फैमिली के लिए, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें आप कितना बेहतरीन बना रखा भाई, बहुत बढ़िया डेकोरेशन है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत है, बहुत है। चलो जी हमारे पास आ गई है ये प्लेटर, हमारी 599 की प्लेटर है, बेहतरीन। ये देखें आप खूबसूरत, जिसके अंदर बिरयानी है, मैं आपको दिखाऊँ, ये बर्रा है, इसमें लसानी टंगड़ी है, इसमें तंदूरी है, ये अफवानी टंगड़ी है, दो चिकन के कबाब हैं, ये बटर चिकन है, ये चंगेजी है, और ये जो है ये कढ़ाई चिकन, ठीक है। और इन्होंने रुमाली रोटी दी है, पांच रुमाली रोटी इस सबके साथ आ रही है। फटाफट से ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। ओवरऑल देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, टेम्पटिंग लग रही है, लेकिन यार मुझे लग रहा है मैं गलत टाइम पे आ गया। बहुत ज़बरदस्त डिश है, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो में भी आपने देखा है चीख पुकार चिल्लम चिल्ली सब यही चल रहा है, ठीक है। वो बंदा भी परेशान है जो यहाँ पर मैनेजर है, कि किसको क्या बोलूँ, क्या दूँ क्या ना दूँ। कबाब भी अभी देखे गए, ये समझो आप पहले प्लेटर दे गए थे उसके बाद कबाब ले गए, इतनी ज़्यादा जो है डिमांड है यहाँ पे। अली अमीन अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। चलिए इस ब्रांड को हम भी चख के देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। चलो जी ट्राई करते हैं कबाब से, देखते हैं कबाब क्या कहते हैं। वाह हाँ वही वाह, बिल्कुल ज़बरदस्त गले हुए कबाब हैं ये, देखें आप बेहतरीन। देखते हैं बहुत उमदा जूसी कबाब है, बिल्कुल बेहतरीन। अंदर जाके जूसेस जो है ना वो आ गई हैं ज़बरदस्त। उसके बाद जो उसमें गलावट है ना कबाब में, जो चिकन की गलावट है बहुत ज़बरदस्त है। मसाले अंदर तक इसके जो है पैरे हुए हैं, बहुत बेहतरीन। ये देखें आप, ठीक है बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह, बहुत ज़बरदस्त। अब हम ट्राई करते हैं अफगानी टंगड़ी, ठीक है गली हुई एकदम बेहतरीन। ये देखें आप कैसे गली हुई है, मलाई बेहतरीन लगी हुई इसमें। बहुत जबरदस्त, बहुत कम मसालों का यूज़ किया गया है इसके अंदर, बहुत ही नॉर्मल मसाले हैं, मिर्चों का लगभग यूज़ किया ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये आप चिकन में भी देख सकते हैं, चिकन बिल्कुल प्लेन है, ऊपर से जो मसाले लगे हैं थोड़े बहुत वो लगाए गए, बाकी क्रीम है और मलाई है, इसको जो है मिक्स करके इन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया है, टेस्ट में बहुत लाजवाब है। आगे देखते हैं इनकी जो तंदूरी है वो ट्राई करते हैं, ठीक है। ये देखें आप चिकन जो है वो सारा गला हुआ है, और एक बात और आपको मैं बताऊं, जो चिकन उन्होंने यूज़ किया ना वो मुश्किल से 800 ग्राम 700 ग्राम का चिकन है, बड़ा चिकन यूज़ नहीं किया इन्होंने, जिसमें के जूसेस कम होते हैं, जितना छोटा चिकन होता है ना जूसेस बहुत होते हैं उसमें, और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिलहाल ये जो है ये है तंदूरी चिकन, ये आप देख सकते हैं कितना गला हुआ है, बेहतरीन। ट्राई करते हैं, थोड़ा सा बटर जो इसके साथ दिया ना उन्होंने उसमें मसाले होते हैं उसके साथ ट्राई करते हैं कैसा लगता है। बहुत उमदा, बहुत ज़बरदस्त, मसाले भरपूर लगाए भाई, मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल बैलेंस किया गया, फर्स्ट क्लास एकदम। ये देखें आप मसाले, आप ऊपर से भी देख सकते हैं ये लगे हुए हैं सारे मसालों का यूज़ बहुत अच्छे से किया इन्होंने, बहुत बढ़िया है, टेस्ट में बहुत लाजवाब है। आगे चलते हैं इनका बर्रा ट्राई करते हैं, बर्रा क्या कहता है। ये देखें आप, ये देखें बर्रा कितना गला हुआ है भाई, कितना गला हुआ चिकन, ये देखें इशारे में टूट रहा है भाई। एक प्याज इसके साथ, इसके साथ एक प्याज, और फिर ट्राई करते हैं निवाला बना के। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। इसके जो मसाले इसमें यूज़ किए गए हैं बहुत डिफरेंट हैं, हल्की सी खटास है किसी चीज़ की, या तो नींबू की खटास है या फिर उन्होंने कुछ अंदर कुछ जो है मिक्सअप किया, लेकिन बहुत बढ़िया है उस खटास उस टेंगीनेस से एकदम जो है ना बेहतरीन जाके बर्स्ट हो रहा है मसालों का, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आया यार। अब ट्राई करते हैं इनका कढ़ाई चिकन, उसके बाद फिर दो और जो बैलेंस हैं तीन,
वो आइटम ट्राई करेंगे फटाफट। ये है जी कढ़ाई चिकन, और ये जैसे मैंने आपको बताया पहले वीडियो में, ये सब बोनलेस होता है, ये सब बोनलेस होता है। ये देखें आप, ये देखें, बढ़िया कढ़ाई चिकन में ये जो लाल मिर्च डाली है ना, इस लाल मिर्च की वजह से यहाँ पुरानी दिल्ली में स्टू बनता है, इसकी वजह से लाल मिर्च की वजह से जो स्टू का टेस्ट है ना वो कुछ ड्राइव हो रहा है इसमें। बाकी टेस्ट अलग है, मसाले थोड़े अलग हैं, लेकिन उस लाल मिर्च की वजह से ना ऐसा लग रहा है कि स्टू की तरफ खींचा जा रहा है टेस्ट। ओवरऑल बहुत बढ़िया, बहुत जायकेदार है, हालांकि थोड़ा स्पाइसी भी है लेकिन अच्छा है। आगे चलते हैं बटर चिकन, अब दरियागंज में हैं, बटर चिकन की इजाद भी दरियागंज में हुई थी और अली अमीन बटर चिकन बेच रहे हैं, देखते हैं। ये देखें, इसमें बोटी में थोड़ी सी गलावट कम रह गई मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तैयार किया है इन्होंने, जल्दबाजी में थोड़ी कम रह गई गलावट, लेकिन ओवरऑल देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। बढ़िया है बटर चिकन है, लेकिन हालांकि बटर चिकन की तरफ ज़्यादा जा नहीं रहा है, बटर चिकन की तरफ जाते जाते थोड़ा सा आधे रास्ते में ही पूरा हो गया है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है टेस्ट। टोमेटो का जो प्यूरी इन्होंने डाली होगी इसमें, उसका भरपूर मज़ा आ रहा है टोमेटो प्यूरी का, और उसी की वजह से हल्की सी मिठास आ रही है टोमेटो प्यूरी की वजह से। ओवरऑल बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है, बटर चिकन मैं नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि बटर चिकन तक जाते जाते वापस आ गया ये, ठीक है। ये ट्राई करते हैं चंगे जी, इसका जो चिकन है वो थोड़ा गला हुआ है अच्छे से, और जो ग्रेवी है वो देखते हैं कैसी है। इसको खा के भी चंगेजी वाली फील नहीं आ रही भाई, क्योंकि जिसने ऑथेंटिक चंगेजी खा लिया एक बार उसको फील नहीं आएगी इसको। हालांकि जो इसमें मसाले हैं ना वो लगभग बटर चिकन वाले यूज़ किए गए हैं, बस फ़र्क यह है कि इसमें मसालों में मिर्च वगैरह का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया गया, और बटर चिकन में जो है वो मिर्च वगैरह का यूज़ कम किया गया, इसीलिए चिकन चंगेजी वाला जो थोड़ा बहुत वो फील है ना वो इसमें नहीं आ पा रही है। हालांकि ग्रेवी है कुछ तो बना है, बढ़िया है, थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा मसालेदार है, अच्छा लग रहा है। चलो जी अब करते हैं लसानी चेक, लसानी क्या कहता है। ये गला हुआ तो अच्छा है यार, ये जो बारबेक्यू आइटम है ना इनके सारे गले हुए हैं, बढ़िया गले हुए हैं। ये हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था जो बारबेक्यू वाले आइटम है ना वो गले में बहुत अच्छे हैं, बढ़िया गलावट है उसके अंदर चिकन के अंदर, लेकिन जो ग्रेवी वाले आइटम है उसमें किसी किसी में हल्की सी गलावट रह गई है, जो गलना रह गया है जैसे बटर चिकन मैंने आपको बताया है। ट्राई करते हैं लसानी, लसानी क्या कहता। चिकन लसानी और चिकन तंदूरी सेम टेस्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, नाम का डिफरेंस है, ठीक है। तंदूरी बिल्कुल प्लेन है, इसके अंदर थोड़ा सा बटर और क्रीम डाल रखी है, और इसके अंदर हल्का सा नींबू शायद उन्होंने डाला है टेंगिनेस के लिए, बाकी ऑलमोस्ट सेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है बिरयानी, सारे आइटम मैंने टेस्ट करके आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसको मेरा दोबारा दिल करे खाने का कि नहीं यार ये आइटम बहुत अच्छा है, सिवाय कबाब के, कबाब लाजवाब हैं, ठीक है, जिसकी बाइट मैं दोबारा लेने वाला हूँ। बहुत बढ़िया है कबाब यार, लाजवाब। बाकी सारे आइटम जो हैं वो सो सो हैं, एवरेज है, सेम मसाले सेम सब कुछ यूज़ हो रहा है, तो ऐसा डिफरेंस है नहीं। चलो बिरयानी में मैं आपको दिखा देता हूँ बोटियाँ, सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की जाती है वो बोटियाँ हैं, एक दो, ठीक है, ये इस टाइप की बोटियाँ भी हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस, बाकी और भी हैं, ठीक है, इनफ है। हर बाइट में तो बोटी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन यह है कि आप खा सकते हो, इनफ है, ठीक है। ये बिरयानी है, हाथ से ही खा रहे हैं, बिरयानी भी सो सो है, बिरयानी बहुत अच्छी हो सकती थी इनकी,
अली अमीन की, बहुत बढ़िया हो सकती थी लेकिन बिरयानी सोसो है। मुझे नहीं पता ये इस टाइम की बिरयानी सोसो है या फिर ये होती ऐसी है इनके यहाँ, मुझे नहीं मालूम। हालांकि अचारी बिरयानी टाइप की इन्होंने बनाई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मिर्च वगैरह डाली हुई है, मसाले डाले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मिर्चें तेज़ हैं, लेकिन वो बात नहीं है। चावल थोड़े स्टिकी टाइप में हैं, ठीक है, खुले खिले नहीं हैं। बाकी ओवरऑल मसाले तेज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन बिरयानी में और बेहतर कर सकते थे। जिस तरीके का इनका नाम है अली अमीन, ठीक है, जिस तरीके की भीड़ है उसमें और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। तो ये था जी इस प्लेटर का रिव्यू। 599 का प्लेटर था ये, अली अमीन स्पेशल कॉम्बो बिरयानी प्लेटर है, 599 नाइन आइटम्स। ये आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें। टेस्ट मैंने आपको बता दिया, रिव्यू दिया है टेस्ट का। अब ट्राई करते हैं जो इनका बारबेक्यू प्लेटर है वो। ये देखें आप, ये है बारबेक्यू प्लेटर, ऑलमोस्ट सेम है, वही सारी चीज़ें हैं। ये दो आइटम अलग हैं इसमें, मलाई टिक्का और चिकन टिक्का, बाकी सब सेम है लगभग लगभग, ठीक है। टेस्ट करते हैं वो और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है इन दोनों का भी टेस्ट फटाफट से। गलावट जैसे मैंने आपको बताया ना, ये तंदूरी आइटम्स की जो गलावट है ना बारबेक्यू आइटम्स की, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। ये देखो, सेम है मलाई टिक्का, मलाई टंगड़ी, सेम टेस्ट है। नाम के हिसाब से ना थोड़े चेंजेस आना चाहिए तभी मज़ा आता, वरना अगर सेम चीज़ खा रहे हैं हम सेम उसमें तो फिर मज़ेदार ही नहीं है। ये है जी चिकन टिक्का, ये देखते हैं इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिफरेंट होगा टेस्ट, क्योंकि ये मसाले इसमें चिकन में अलग दिख रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, हालांकि मलाई क्रीम सब कुछ सेम है, लेकिन जो चिकन में मसाले लगे हैं ना मैरिनेट हो रखा है वो अलग है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये मुझे आइटम अच्छा लगा इन सारी चीज़ों में, ये खाने लायक है और मुंह में जाके ना ऐसा गल गया, अलग ही बिल्कुल अच्छा है मामला। तो जी ये था रिव्यू अली अमीन दरियागंज का, सारे आइटम मैंने आपको दिखाए, टेस्ट करके बताए। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो सोसो रहा मेरा, क्योंकि ये अली अमीन है, नाम बहुत बड़ा है और मैं अली अमीन के यहाँ लगभग 5 साल से खा रहा हूँ। जब से ये सिर्फ एक बार काउंटर लगा के पुरानी शॉप पे खड़े हुआ करते थे, जब इनकी अपनी दुकान एक पूरी अंदर नहीं हुआ करती थी, फिर उन्होंने अंदर दुकान बनाई, फिर अब यहाँ पे दरियागंज पर आ गए। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा सोसो रहा है, ठीक है। और बेटर कर सकते हैं ये बिरयानी में, अपने बर्रा में, अपने चिकन मलाई टिक्का में, और चीज़ें बढ़िया कर सकते हैं। खैर रेस्टोरेंट में ऊपर नीचे तो चलता रहता है, हो सकता है कि मेरे सामने या मेरे आगे वो चीज़ आई है जो बढ़िया नहीं है। ओवरऑल जो भी है सोसो है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए जो हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार दिया आपने, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं आपको मिलता रहूँगा नई नई वीडियोज़ में, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।